गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज 16 जनवरी और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज के अपडेट क्या है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा प्रवेश यहाँ पर प्रारंभ हो गए। एम ए, बी कॉम, एम ए, एम कॉम, एम बी ए, एम सी ए, पी एच डी, तो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। अगले अपडेट चलते हैं। मिरासी और बिस्ती समुदाय के 2000 विद्यालयों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा विभाग में हुई स्थानांतरण, तबादलों पर रोक से एक दिन पहले विभागों में रही चहल पहल। शिक्षा विभाग में 9712 शिक्षकों की संविदा पर होगी भर्ती, आवेदन 31 जनवरी से शुरू। शिक्षा विभाग में 24,000 से ज़्यादा नए सर्जित पदों को वित्त विभाग ने नहीं दी मंजूरी। निःशुल्क यूनिफॉर्म से वंचित मॉडल स्कूल के विद्यार्थी, निजी खर्चे पर ले रहे हैं ड्रेस। हमारा मान बढ़ाएंगे 111 होनार, उनको मिलेगा इंस्पायर अवार्ड। करौली और हिंडौन ब्लॉक अव्वल, 29-29 बाल वैज्ञानिक चयनित। जेटीओ सहित 111 पदों पर नौकरी के अवसर, संघ लोक सेवा आयोग में निकली है भर्ती। 2 फरवरी अंतिम तिथि इसकी। डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग। इग्नू जून टीईटी 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तिथि बढ़ी, 20 जनवरी अंतिम तिथि है। रेलवे 6 दिवसीय शारीरिक दक्षता परीक्षा आज से, 14,000 से अधिक अभ्यर्थी लगाएंगे दौड़। मेडिकल कॉलेज फर्स्ट एमबीबीएस 21 बैच की परीक्षा आज से, 11 स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे पेपर। संविदा में 9712 पद, 16,900 मानदेय। इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती, नॉन टीएसपी में 9108, टीएसपी के 604 पदों पर होगी भर्ती। ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी से 1 मार्च 2023 तक, तो आप यहां पर पूरी अपडेट देख सकते हैं। केमिस्ट के एक पद के लिए इंटरव्यू, 19 को लेटर जारी। 8वीं से 12वीं तक छात्राओं को नए सत्र से आयुर्वेद विभाग देगा खून बढ़ाने के लिए धात्री लोह व नवाइस लोह औषधि। भरतपुर की 42 राजकीय विद्यालय की छात्राओं पर किया गया था शोध, खून बढ़ने के साथ दूसरी बीमारियां भी ठीक हो गई। NMMS 95,565 में से 78,734 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। चयनित 5,471 छात्रों को हर साल मिलेंगे 12,000 रुपये। छात्रवृत्ति परीक्षा उदयपुर में 82% छात्र पहुंचे, चूरू में सबसे ज़्यादा 88% उपस्थिति रही। 12वीं की परीक्षाएं 9 मार्च से 12 अप्रैल व 10वीं की 16 मार्च से 11 अप्रैल तक। RBSC संवेदनशील केंद्रों की CCTV कैमरे से होगी निगरानी। उड़न दस्तों में विश्वसनीय व्यक्तियों की नियुक्ति होगी। गड़बड़ी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित करने की बात की जाएगी, बर्खास्त करने की कार्रवाई। तो आप यहाँ पर टाइम टेबल ये देख सकते हैं। आरक्षित वर्ग के लिए PG में 50% अंक ही जरूरी, EWS को 5% छूट नहीं। GGTU को मिली है सेट की जिम्मेदारी, नोटिफिकेशन में कई खामियां। कॉमर्स के 3 विषय लेकिन सेट में 1 विषय का ही पेपर। मेरिट में आने वाले 5,471 स्टूडेंट को मिलेगी हर माह 1,000 स्कॉलरशिप, रिजल्ट फरवरी में। ज़्यादा उम्र व 2 से अधिक बच्चों वाले संविदा कर्मियों की नहीं जाएगी नौकरी। प्रदेश की 1363 आंगनबाड़ियों में न्यूट्री गार्डन तैयार, अब यहाँ के बच्चों को भी मिलेगी पौष्टिक सब्जियाँ। जिला परिषद ने बनवाए इस तरह के गार्डन, कोटा रहा प्रदेश में अव्वल। वाटर स्पोर्ट्स कैरियर, बढ़ रही है कुशल पेशेवरों की मांग। स्कूबा डाइविंग, रिवर राफ्टिंग के कोर्स डिमांड में। भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हराया, वनडे के इतिहास की सबसे बड़ी जीत।
दोस्तों ये थी अपडेट और आज का चर्चा सुविचार। प्रेम आपकी जिंदगी को कभी मुरझाने नहीं देता है और नफरत जिंदगी को खिलने नहीं देता है। दोस्तों इसी के साथ आज की अपडेट समाप्त होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।